हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 3, दैट इज स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। अब देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं एंड स्क्वेयर रूट्स क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस समझेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एंड देन आपकी एक्सरसाइज पे आएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में, वो सारे क्वेश्चन मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन एंड इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, स्क्वेयर मीन्स वॉट। सपोज मेरे पास एक नंबर है 5 और मुझे उसका स्क्वायर फाइंड करना है, ये उसकी पावर। जैसे हमने एक्सपोनेंट में भी सीखा, ये बेस है, ये उसकी पावर है। तो जब पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। देन अब देखिए, 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25, और यही हमारे स्क्वायर है, किसी भी नंबर का हो सकता है। और आपको बेसिकली 1 से लेके 20 तक तो आने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, ऐसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। देन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 4 ज़ा 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 5 ज़ा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36। देन 7 का स्क्वायर हो गया, 7 7 ज़ा 49, 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64, 8 8 ज़ा 64। देन 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एंड 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देन ऐसे ही देखिए, 11 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, देन 15 का स्क्वायर आपके पास हो गया 225, देन 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, देन 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324, 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361, एंड 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को उससे दोबारा मल्टीप्लाई करना। जैसे 20 इंटू 20 400, 17 इंटू 17 289, 14 इंटू 14 196, 7 इंटू 7 49, लाइक दिस। ये तो हमने समझ लिया स्क्वेयर्स क्या होते हैं। तो आप तो किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वेयर निकालना है, उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आता है स्क्वेयर रूट क्या होते हैं। तो स्क्वेयर रूट इसका ऑपोजिट है। जैसे अब देखिए, स्क्वेयर रूट का एक सिंबल होता है लाइक दिस। जैसे हम ये सिंबल बना दें, तो 1 का तो स्क्वेयर रूट भी 1 है, क्योंकि 1 को अब देखने किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 आया, तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 आया था। अगेन अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट बताना है तो वो होगा 2। कैसे, आपने देखना है किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, दैट इज़ 2, 2 2 ज़ा 4। अब किस नंबर को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया 3। तो इसका 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। ये सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट का। ऐसे आप सारे नंबर्स के लिए लिख सकते हैं। ये हमारी थोड़ी सी थी बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को लेके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि हमारा सिलेबस 3.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है। अब देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वेयर रूट। हमें स्क्वेयर नहीं फाइंड करने, सीधा स्क्वेयर रूट ही आ गया हमारे पास। फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें अभी जितने पार्ट्स होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, सबका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखिए, ये मैंने सिंबल बना दिया स्क्वायर रूट का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको फाइंड करने आते हैं, तो यहाँ पे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स में आप सबको पता है सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। देन सबसे पहले अब देखिए, आपका नंबर क्या है, हमारा नंबर तो एक इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। देन यहाँ पे आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 अगेन, देन 2 2 ज़ा 4। आई होप आप डायरेक्टली ऐसे कर पाएँ। अगर कुछ किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी होती है ऐसे करने में, तो आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं अपने नंबर्स को। देन
टू फोर ज़ा एट, टू फोर ज़ा एट एंड टू वन ज़ा अगेन, ये तो एक ऑड नंबर आ गया, अब टू के टेबल में नहीं जा सकता, तो हम थ्री पे ट्राई करते हैं। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल तो सबको आता ही होगा कि हम नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं, फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन, तो नाइन आ रहा है, इट मीन ये नंबर थ्री के टेबल में जा सकते हैं। देखिए थ्री वन ज़ा थ्री, हमारे पास वन रिमाइंडर आ गया, वन और फोर बन गए फोर्टीन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, टू रिमाइंडर आ गया, टू और वन बन गए ट्वेंटी वन, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, अगेन थ्री के टेबल में जा सकते हैं, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेंटी सेवन बच गए, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, देन सेवन के टेबल में, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन एंड सेवन वन ज़ा सेवन। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, हमें निकालना था स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, एंड ये मेथड और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ करना है। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे देन आपको अपना क्वेश्चन लिखना है एज इट इज़, एंड क्वेश्चन के एग्जैक्टली सामने आपको फिर स्क्वायर रूट का सिंबल बनाना है, और जो भी आपके प्राइम नंबर्स आए हैं उन सारे अपने प्राइम फैक्टर्स को आपने इस सिंबल में यहाँ पे लिख देना है। देन अब स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, स्क्वायर की पावर क्या होती है, टू। तो जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपके पास टू टू के पेयर्स बनने चाहिए। तो देखिए आपके ईच एंड एवरी नंबर के साथ टू के पेयर्स बन रहे हैं, टू टू के नंबर्स का पेयर बन रहे हैं, ईच एंड एवरी पेयर में से हमें एक नंबर बाहर ले लेना है टू, ऐसे ही थ्री एंड यहाँ पे सेवन। तो देखिए टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स सेवन ज़ा क्या होता है फोर्टी टू, इट मीन्स जो हमारा ये नंबर है 1764, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, आपने इसके देखिए ध्यान से समझना है, जब मैंने ये सारे नंबर्स लिखे थे तब स्क्वायर रूट का सिंबल ही आया, बट जब हमने उसमें से एक एक नंबर बाहर ले लिया तब आपने अगेन दोबारा ये स्क्वायर रूट का सिंबल इस साइड नहीं बनाना। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42, इस पे हमें सिंबल बनाना है क्योंकि हम बता रहे हैं कि 1764 का स्क्वायर रूट है 42। इट मीन्स अगर आप 42 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1764, तो आपका आंसर आ गया 42। ये बस मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, आपको यहाँ तक ही अपना आंसर लिखना है, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक नंबर है, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन में यूज ही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम यहाँ भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं एंड देन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये एक ओड नंबर है और हम ट्राई करते हैं थ्री के टेबल में ये नंबर जा सकते हैं, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा एंड अगेन थ्री थ्री ज़ा नाइन, एंड यहाँ पे देखिए थ्री के टेबल में अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, वन रिमाइंडर ट्वेल्व, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड वन, अब देखिए सेम नंबर आ गया फोर फोर वन, तो एज इट इज ही लिख देते हैं जो हमने फाइंड किया, पहले 147 पे जाएगा, देन थ्री के टेबल पे गया 49, देन सेवन के टेबल में 77 एंड 71 जा, अगेन हमें इस नंबर को एज इट इज लिखना है, इसके सामने इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री एंड देन सेवन इंटू सेवन। देखिए आपको पेयर्स बनाने हैं, अगर आपके पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरी पेयर में से एक नंबर बाहर लेना है। जब भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपके पूरे पूरे पेयर्स बनेंगे, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री, हमारा आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63, विच मीन्स 63 एक ऐसा नंबर है जिसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करें 63 इंटू 63, देन हमें मिलता है 3969। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट। अगेन सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं इसके, टू के टेबल में ये नंबर नहीं जा सकता, तो पहले हम थ्री पे ट्राई करते हैं, देन देखिए थ्री टू ज़ा एंड थ्री वन ज़ा थ्री, टू हमारा रिमाइंडर है, टू और सिक्स आपके पास 26 हैं, थ्री एट ज़ा 24, अगेन टू रिमाइंडर, टू और सेवन 21 बन गया, थ्री सेवन ज़ा 21, देन आप थ्री के टेबल में जा सकते हैं, थ्री सेवन ज़ा, थ्री टू ज़ा सिक्स एंड थ्री नाइन ज़ा, अगेन थ्री के टेबल में थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री फोर ज़ा एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन, देन थ्री एट ज़ा 24, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू इज़ रिमाइंडर, टू एंड सेवन, टू एंड वन 21, थ्री सेवन ज़ा 21, थ्री नाइन ज़ा 27, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री। देन हमें तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का,
तो आपको पहले अपने सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 8। तो हम पेयर तो हमारे ऑलरेडी बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास 8 times 3 आया है। तो मैंने यहाँ पे 8 times 3 लिख दिया एंड ऑलरेडी उनके पेयर्स भी बना दिए। ईच एंड एवरी पेयर में से आपको 1 times 3 को लिख देना है। देन 6561 का स्क्वायर रूट आया, देखिए 3 3s are 9, अगेन 3 3s are 9, 9 into 9 81, हमारा आंसर आ गया 81। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी आपको क्या करना है, पहले तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2s are 4, 1 remainder, 1 और 7 17, 2 8s are 16, देन अगेन 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 2 4s are, देन 2 7s are 14, 2 2s are 4, देन 2 3s are 6, देन 2 6s are 12, 2 18s are 36 होता है आपके पास, एंड 2 9s are 18, देन 3 3s are 9, एंड 3 1s are 3। 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले हमें सारे नंबर्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 times, तो हमारे पास आ गया 2। तो जैसे जैसे पेयर्स बन रहे हैं मैं ऑलरेडी अंडरलाइन कर रही हूँ। देन 3 into 3, देन 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ईच एंड एवरी पेयर में से आपको एक नंबर लेना है आउटसाइड, बाहर ले लिया हमने उससे। देन अब देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, देन 8 3s are 24, हमारा आंसर आ गया 24। 24 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 576। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। अगेन आपको 7056 के क्या फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि आपको आपके ईच एंड एवरी नंबर का स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है बट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3s are, देन 2 5s are, 2 2s are 4, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 2 8s are 16, देन 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are, 2 4s are, अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 8s are, देन 2 8s are, 2 2s are, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही पैटर्न आया था। देन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1s are 3, एंड 3 4s are, एंड 7s are, अगेन 3 4s are, एंड 3 9s are, 7 7s are 49, एंड 7 1s are 7। अब हमें 7056 का क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 times हमारे पास आया है 2, देन 2 times 3, एंड 2 times हमारे पास आया है 7। तो पेयर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 7056 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो लिखिए 7056, स्क्वायर रूट का सिंबल, 2 2s are 4, देन 4 3s are 12, 12 7s are 84, हमारा आंसर क्या आ गया 84। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अगेन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं सबसे पहले इसके, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इवन नंबर 2 के टेबल में ट्राई करेंगे, 2 2s are, 2 2s are, देन अब आपको दोनों नंबर एक साथ लेने तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, देन 2 5s are 10, 0 as it is, देन 2 1s are, 2 1s are 0, 2 2s are 4, 2 5s are, अब ये नंबर 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जा सकता है, 3 3s are 9, 2 remainder, 2 और 0 20, 3 6s are, देन अगेन 2 remainder, अब 3 7s are 21, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 22 था, एंड 3 5s are 15, देन 3 1s are 3, 3 2s are, 3 2s are, 3 1s are, अब ये नंबर 5 के टेबल में जाएगा, 5 2s are 10, देन 5 4s are 20, 5 5s are 25, अगेन 5 4s are 20, 5 9s are, 7 7s are, एंड 7 1s are। अब आपको क्या करना है, अगेन जैसे हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कर रहे हैं सारे प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो चलिए 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 आपके पास 2 times आया है, देन 3 भी 2 times आया है, देन 5 2 times आया है,
एन हमारे पास 7 भी 2 टाइम्स आया है। अब आपको क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने हैं। ईच एंड एवरी नंबर में से आपको पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेना है। 2 3 6, 6 5 30, 37 21, 37 21 और 30 × 7 210। तो आपके पास इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 210। अब ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का भी आंसर। अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।